तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गियर शिफ्टर 95। तो तुम्हें ये मतलब अलग लग रहा होगा क्योंकि मेरे कुछ लास्ट के जितने ब्लॉग्स हैं, जितने भी वीडियोस हैं, सब में डिस्कवर देखी है आप लोगों ने, पर ये यामाहा FZ है। ये मैं बहुत पहले यूज़ करता था, पर पापा ने मुझे एक तरीके से बैन कर दिया इससे, क्योंकि उन्होंने मुझे एक बार रेस करते हुए देख लिया था इसके साथ, तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने मतलब इसको दूर रखने के लिए इसको सांपला भिजवा दिया था। ये सांपला की रजिस्ट्रेशन है इसकी भी। तो काफ़ी टाइम के बाद ये वापस आई है आज, मतलब कल आई थी एक्चुअली, कल शाम को आई थी, और आज एक छोटा सा मतलब मिनी ब्लॉग इसके साथ शूट करने का बस मन करा तो उठाई बाइक और आ गए। ये भाई यार अलग ट्रैफिक है यार, मेरे ट्रैफिक बिल्कुल पसंद नहीं है। 2000 years later, one eternity later। और भाई बस पुलिस वाले ना मिल जाएं, कोई चेकिंग वाले, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? भाई मैं वेट कर रहा था यार, लड़की मुड़ेगी मुड़ेगी, मुड़ी ही नहीं यार वो। हट यार, थोड़े से तो रिएक्शन दे दो यार, थोड़े से कि वीडियो में मैं लिख सकूं रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन। यार थोड़े से रिएक्शन भी नहीं मिल रहे यार, लोग बस देख रहे हैं और इग्नोर करके आगे जा रहे हैं। बताओ क्या क्या हालत है यार मेरी। यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमने क्या मतलब किसकी क्या बहस खोल दी, हमने किसकी बहन छेड़ दी यार, बताओ। हमारे साथ ऐसा लोग करते हैं, देखेंगे रिएक्शन मिलेंगे। भाई थोड़े से रिएक्शन दे दो यार, ज़्यादा नहीं मांग रहा मैं कि वीडियो में मैं लिख सकूं कि भाई पब्लिक रिएक्शन ऑन यामाहा FZS। इस वैसे मैं बताऊं, इसका नाम सोफिया रखा हुआ है मैंने, मैं बताया नहीं अभी तक, और डिस्कवर का नाम नोवा है। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया यार उस दिन, सही बता रहा हूँ, आज भी दिन वो याद है मुझे। क्या कर सकते हैं यार, अब जो किस्मत में लिखा है वो है। पापा ने जब वो बाइक मतलब छोड़ दी थी चलाना, उसके बाद मैंने उसे चलाना शुरू किया था, उसके बाद मैंने उसे रिस्टोर किया है। रिस्टोरेशन में ऑलमोस्ट मेरे उसके उस पर लगे थे आई थिंक 32,000 या 35,000 के आसपास लगे थे उसकी रिस्टोरेशन में, लाइक ऑल पार्ट्स एंड ऑल सब कुछ मतलब मिला के। और उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा काम करवाया था मतलब अपने सुविधा के हिसाब से, लाइक मुझे FZ चलाने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, और उसका हैंडल बार था भाई बहुत ऊंचा, उसको मैंने पहले तो नीचे करवाया, उसके बाद भी मुझे वो फील नहीं आई, उसके बाद मैं हैंडल ले के आया, फिर हैंडल मैंने लगा दिया, उसके बाद अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई अब यामाहा और उसकी हैंडलिंग में है ना कुछ ज़्यादा फ़र्क लगा नहीं मुझे अब। Nice. यार इसी में मजा है यार इसका, यामाहा FZ भाई मुझे 150cc में नेकेड बाइक्स में भाई बेस्ट लगती है मुझे। फेंडर्स बाइक में मेरा इतना वो नहीं है योगदान, बाकी भाई नेकेड बाइक्स में मेरा थोड़ा ज़्यादा ही है क्योंकि मैंने हमेशा से नेकेड बाइक्स ही चलाई है, और यामाहा लगती है भाई मुझे बेस्ट, वो मतलब FZS लगती है मुझे बेस्ट 150cc के सेगमेंट में। इसको भाई तुम कुछ भी करा लो, ये वो करने के लिए रेडी है, तुम मतलब इसको मार्केट में भी चला सकते हो, इसको हाईवे पे क्रूज़ भी कर सकते हो, क्रूजिंग भी कर सकते हो इस पर, तुम भाई कुछ भी कर सकते हो इसके साथ, ये हर चीज़ में कैपेबल है भाई, इसलिए मुझे यामाहा FZS हमेशा से बहुत पसंद रही है। और यही मतलब एक मेजर मैं रीज़न कह सकता हूँ कि ये मेरी हमेशा से फर्स्ट चॉइस रही है, अगर मैं 150cc और 1-1.5 लाख के अंदर अगर मैं कोई बाइक चूज़ कर रहा हूँ तो।
लाख डेढ़ लाख का अगर मेरा किसी का भी अगर मैं भाई रिकमेंड तो यही करूँगा, अगर लाख डेढ़ लाख का बजट है अगर आपका, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आप साल की ज़्यादा नहीं 20-25 हज़ार या 30 हज़ार तक अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आई वुड से आप यामाहा FZS के लिए जा सकते हो। इसकी मेंटेनेंस कोई ज़्यादा है भी नहीं, बाकी जो भी मतलब किलोमीटर पे सर्विस होती है सिर्फ वही है, बेस्ट लगती है भाई। आप मतलब जो भी चलाते होंगे ना भाई मेरे से है ना एग्री करेंगे इस बात पे कि भाई यामाहा FZS बेस्ट है। अभी मैं आराम से चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लो गियर अप किया, मैं आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्कवर भी मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे पापा की बाइक है और सही बता रहा हूँ, मुझे उससे बहुत प्यार भी है, मुझे इन दोनों से प्यार है सही बताऊँ तो। अगर आपका लाख डेढ़ लाख का बजट है और साल की कोई 30 हज़ार तक आप सर्विस अफोर्ड कर सकते हो तो मैं यामाहा FZS मैं प्रेफर करूँगा, अगर मेरी प्रेफरेंस अगर आपके लिए मैटर करेगी तो। बाकी मैं दोबारा परचेज़ करूँगा इसे, ऐसी बात नहीं है, पर इस बार अपने पैसे से, क्योंकि यार ये बाइक है ना एक्चुअली मेरे नाम पे है नहीं और ना ही मैंने पैसे दिए थे इसको ख़रीदने के लिए, तो रेस वगैरह कर रहा हूँ तो यार पापा को ओबियसली बुरा तो लगेगा। अब मेरी बाइक होती तब भी भाई उन्हें बुरा लगता, उन्हें गुस्सा आता, उनका गुस्सा होना ना जायज़ था, ठीक है। तो बस एक छोटा सा ये व्लॉग था, ठीक है, उसके बाद हम फिर कभी मिलेंगे बढ़िया से अपनी नोवा पे ही, क्योंकि ये एक दो दिन के लिए है यहाँ पे, उसके बाद ये वापस चली जाएगी, अब ये ज़्यादा ये रहेगी नहीं यहाँ पे, क्योंकि पापा रिस्क नहीं लेंगे इसको ज़्यादा दिन यहाँ रखने का, क्योंकि ज़्यादा दिन यहाँ रहेगी क्योंकि उन्हें मतलब पता है अगर ज़्यादा दिन यहाँ रखूँगा तो ये फिर लेके गायब हो जाएगा, फिर ये कहीं ना कहीं रेस करेगा, अगर इसका एक्सीडेंट हो गया इतने स्पीड पे तो फिर तो गए काम से। तो भाई अपने पापा की बात सुनना और रेस मत करना, रेस करो तो भाई कोई ऐसी जगह ढूंढना जो रेजिडेंस एरिया ना हो और मतलब प्रॉपर अपना सेफ्टी गियर्स के साथ प्लस सारी चीज़ें ध्यान में रखना, उसके बाद ही रेस करना। लाइक मैं जब ड्रैग करता था, अभी भी करता हूँ लेकिन कभी कभी करता हूँ, इस के ऊपर है ना, फिर कभी आराम से वीडियो बनाऊँगा तुम्हारे लिए और बताऊँगा क्या होता है, ठीक है, बाय।